नया बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं और जिस तरीके से चने के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि चना और काबली चना का जो भाव है कभी तेज हो रहा है और क्या मंदी चल रही है। अभी सोनू भाई क्या चल रहा है चने में? अभी चना में काबुली चना की हम बात करें तो अभी भी काबुली चना आज भी मार्केट में 300 रुपये तेज हुआ है और इसकी वजह वही है कि फसल काफ़ी नुकसान है फसल में, इसलिए काबली तेज होता जा रहा है। तो क्या लग रहा है कब तक जो है इसमें तेजी रहेगी? जी देखो, जब भी अच्छी से फसल नहीं आएगी तो तेज़ी बनी रहेगी, जब भी फसल अच्छी आती है, अभी तो आपको भी पता है कि बारिश बहुत तेज़ होने लग रही है तो मार्केट तेज़ी की ओर है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि मतलब इस फसल से जो है बारिश का तो कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, इस फसल बारिश का मतलब है क्यों नहीं है, अभी क्या है कि जैसे भी किसी के पास गोडाउन में अभी है तो गर्मी उमस इतनी तेज है ना कि काबली का डंकी होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, तो किसी के पास अभी स्टॉक भी नहीं है तो काबली की शॉर्टेज है, इसलिए काबली तेज है। क्या लग रहा है कब तक जो है इसकी बढ़त बनी रहेगी? अभी जी देखो, इसकी तो कोई इतनी खास बता नहीं सकता कि कब तक बढ़त बनी रहेगी, पर अभी भी मार्केट में देखा जाए तो काबली काफ़ी तेज़ है, आज भी काबली में 200-300 रुपये की तेजी है काबली में। कितने दिन में पिछले हफ्ते के मुकाबले क्या? पिछले हफ्ते के मुकाबले अगर हम पीछे के दस दिन की बात करें तो उसमें कम से कम 700 रुपये काबली में बढ़ चुके हैं जी। अब जैसे त्योहारों का आगमन है लगातार, तो क्या लग रहा है कि तेजी और बनी रहेगी या? जी जी बिल्कुल, तेजी इससे ऊपर जाएगी या कम रहेगी? सर इससे ऊपर जाना नहीं चाहिए, अगर जाएगी भी तो 100-200 ऊपर जा सकती है और काफी तेज हो चुकी है, अब इससे और ज्यादा क्या तेज जाएगी, मार्केट वाक काबली की काफी तेजी है। देसी चने का क्या लग रहा है? देसी चना का तो काला चना की हम बात करें तो काला चना की तो कोई ज्यादा ना मंदा है ना तेज है, 50-100 का मंदा, ये तेज नहीं है काला चना। काबली में जो है वो तेजी चल रही है? हाँ, काबली में काफी तेजी चल रही है। तो देखिए, पिछले हफ्ते के मुकाबले जो है शनिवार की अगर बात करें तो तब से जो है काबली में 200-300 से जो है वो बढ़त बन रही है, बाजार ऊपर जा रहा है और अभी अनुमान ये लगा जा रहा है कि काबली का जो है ये बाजार ऊपर की तरफ रहेगा और अगर ज्यादा से ज्यादा और तेजी भी आती है, जैसे त्योहारों का सीजन चल रहा है आगे आने वाले वक्त में, तो 100-200 रुपये और इसमें तेजी आ सकती है। इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दिल्ली से मार्केट टाइम्स टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।